आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुए अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण में लिप्त एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू करती है। आगरा के थाना रकाबगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। थाना रकाबगंज क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुए अपहरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर उसके साथियों की तलाश के लिए धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी एक पेशेवर गिरोह हिटलर गैंग का सदस्य है, जो कि घात लगाकर लूट अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने साथे से एक देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से मिली सूचना के आधार पर उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। कार में एक बच्चे का अपहरण हो गया। पहले कार एकदम नई थी और बच्चा करीब 12-13 साल का था। उसका अपहरण हुआ था। तत्काल पुलिस ने चुस्ती दिखाई और सभी सीमाओं को सील कर दिया था। सीमाओं को सील करने के कारण पुलिस चुस्ती के कारण ये अपराधी बच्चे और कार को छोड़कर भाग गए। हमारी पुलिस टीम जो सिटी एसओजी है और थाने की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। हमने उसमें सफलता पाई और एक व्यक्ति जो दीपक सिरोही जो इस समय साहिबाबाद में रह रहा था वो यहाँ पर आया हुआ था। हमारी टीम लगातार उस पर काम कर रही थी। गिरफ्तार किया गया। क्या इसके लिए पहले से प्लानिंग की थी कि अटेंडम कोई दिमाग में कोई आया था? देखिए इनका गिरोह है, गिरोह में 3 व्यक्ति और हैं जिनके पता किया जा रहा है। नाम पता उनका पता चल गया है, काम किया जा रहा है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनका यही काम है इस तरीके का अपराध? इसी तरह का काम करते हैं और भी मुकदमे इनके ग्रुप में पंजीकृत। सवाल ये कि क्या इनकी प्लानिंग थी या टेंडम इनके दिमाग में नहीं? ये दरअसल पेशेवर अपराधी हैं, किसी परिवार से इनका ताल्लुक नहीं था। ये पेशेवर अपराधी हैं, यही काम करते हैं। कार चोरी करना का मकसद था कि दोनों ही मकसद थे। इनका मेन मोटिव रहता है कि पैसे मिलने चाहिए, कार लूट हो या बच्चे का अपहरण हो, ये दोनों ही काम। क्या वो बताया कि कहाँ पर लेके जाना था इनको, किसी गैंग को? देखिए इनके साथ 4 लोग थे। 4 लोग यहाँ से अपने सीमा से दूर ले जा रहे थे, मेरठ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इन्हें रूट किया गया हमारे बॉर्डर पर। किसी बड़े गुर में भी कोई गिरफ्तारी हुई है इस केस को लेकर? जी गुर में भी कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? क्या आपराधिक इतिहास? नहीं आपराधिक इतिहास है इनका, उसमें भी काम चल रहा है। किसी बड़े गैंग को देना था, कोई मेरठ में बड़े बड़े गैंग काम करते हैं तो उसके बारे में और तस्दीक किया जा रहा है। कितनी इनके साथ का एक व्यक्ति है अजय हिटलर, उसके 50 से ज़्यादा मुकदमे हो। इनका बेसिकली वर्किंग एरिया क्या है, किस एरिया में सबसे ज़्यादा वारदात करता है? दिल्ली, वेस्ट यूपी, आगरा साइड, जहाँ भी इनको ज़्यादा लगता है कि अपॉर्चुनिटी है वो पूरा एरिया ही कवर करते हैं। कार चोरी के अलावा किडनैपिंग का भी काम करते हैं? किडनैपिंग, कार लूट, सारे काम करते हैं। फिरौती मांगते कितनी मांगने का मकसद था? इसके बारे में बहुत कुछ अभी नहीं बताया। ठीक है।